करना चाहता हूँ। मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है बस। सो हे गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। आपने देखा होगा उत्तराखंड का एक लड़का हमारा प्रदीप, जो 10 किलोमीटर रोज दौड़ता है पूरे नोएडा के हाईवे पे, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये लोगों तक हम पहुँचाएँ कि उत्तराखंड वाले लोग कैसे आर्मी के लिए पूरी जान लगा देते हैं। बीमार माँ है, मैकडी में रात को जॉब करनी है, फिर 10 किलोमीटर दौड़ते हुए जाना है, फिर भाई के लिए खाना बनाना है, और फिर उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग में आना है, और लेकिन एम एक ही है कि देश की सेवा करनी है और भागना है लगातार, चाहे कोई लिफ्ट दे कुछ भी दे पूछना नहीं है, सिर्फ अपना काम करना और अपना एक ही एम है। तो यहाँ उत्तराखंड में ये खास बात रहेगी, उत्तराखंड के काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, चाहे कितनी भी दिक्कत आए वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आज उसी के ऊपर मैं एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। मैंने भी कल रात ये वीडियो देखी और दोबारा से मैंने सोचा शूट करें। मैं चाहता हूँ हर एक उत्तराखंड का बंदा इसके ऊपर अपना एक रिएक्शन दे और इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाए। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बात बोली है कि मेहनत के आगे सच में बहुत जबरदस्त है, 17 साल के बच्चे से उम्मीद करना बहुत बड़ी बात है। गाड़ी में छोड़ देता हूँ, दौड़ क्यों है अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप बेहरा। प्रदीप बेहरा, और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड यार सुनो, तुम सुबह दौड़ने का मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह तो उठ के बात करना, सुबह बजे ड्यूटी पर जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 5 बजे। कमाल है यार प्रदीप, कितने उम्र तुम्हारे बच्चे? 19। 19 साल। मम्मी का भी इलाज चल रहा है। तो यार कहते रहा तुमसे तू? मम्मी एडमिट है। तो वही हाथ दे दो, पूरा पसीने में लड़का पूरा भाग रहा है। ये देखो खाना तो भाई की भी चिंता है कितनी ज्यादा। तो इसको देख के ना एकदम से गूज बम आ जाएंगे, गूज बम आ जाते हैं देखते देखते वीडियो में। मतलब एक बच्चा इतना 19 साल का कितनी मेहनत कर रहा है, और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये बहुत ही कमाल की बात है। तो जय हिंद ऐसे देश के लोगों के लिए, उत्तराखंड के खासकर हमारे यहाँ के, जो मतलब अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।